Hey guys, Kulumbai, नमस्ते आप सबको। होप आप सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया है। तो आप सबका स्वागत है इस ब्लॉग में भी। और इस ब्लॉग का खास है मेरा प्लस ये है क्रीम। तो मैं ये क्रीम को ट्राई करना चाह रहा है मेरा फेस में, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे पास आ गया है पिगमेंटेशन हल्का सा। तो मैं इसको लाइट करने के लिए मैं सोचा मैं कुछ नया प्रोडक्ट यूज करूँ, अदरवाइज मैं कुछ और यूज करती हूँ, लेकिन उससे मुझे इतना खास रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सोचा मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तो इसका बारे में मैंने बहुत अच्छा रिव्यू देखा है ऑनलाइन में। जब मैंने ऑर्डर किया, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया, तब फ्लिपकार्ट में मैंने रिव्यूज देखा तो काफी अच्छा रिव्यूज है, अच्छा कमेंट्स है इसके लिए। एंड देन यूट्यूब में भी बहुत मैंने चेक किया है इसका बारे में, और हर कोई इसके बारे में अच्छा ही बोला। तो सोचा क्यों ना मैं भी यूज करूँ। कौन नहीं चाहता कि अपना चेहरा को गोरा और अच्छा हेल्दी मेंटेन करने के लिए, हर कोई चाहता है। तो सेम थिंग मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। वीडियो को चालू करने से पहले एक बार बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आया लाइक शेयर जरूर करना। तो टोटल चार प्रोडक्ट है, चार हा? तो यहाँ पे है ये व्हाइटनिंग, ये फेस वॉश प्रोडक्ट है, और ये है नाइट क्रीम भी है। एंड देन यहाँ पे है डे क्रीम, एंड देन यहाँ पे है मेकअप बेस को मैं खोल के देखती हूँ पहले ही। सुंदर सा क्रीम में गोल्डन कलर है, जैसा कि सीसी क्रीम या फिर बीबी क्रीम होता है ना, उसी तरह का कलर है। यहाँ पे जो डे क्रीम है ना, वो प्योर व्हाइट कलर में आप लोग देख सकते हैं, देखिए प्योर व्हाइट कलर। उसके बाद जो नाइट क्रीम है ना, वो थोड़ा क्रीमी बेस में है। और जो मेकअप है, वो जो मतलब जो भी सीसी क्रीम जैसा होगा ना, मेकअप बेस बोलता है, व्हाइटनिंग मेकअप बेस, तो वो थोड़ा ज्यादा जो नाइट क्रीम है उससे ज्यादा डीपर कलर है। तो मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है, तो मैं चेक करती हूँ। पहला बार मैं आज ही अप्लाई कर रहा हूँ, देखती हूँ मैं उसका एप्लीकेशन क्या है। कुछ कुछ होता है बहुत क्रीमी, और कुछ कुछ होता है ऑयलीनेस जैसा, और कुछ कुछ होता है थोड़ा ड्राई बेस में। आई थिंक मोस्टली व्हाइटनिंग क्रीम सब थोड़ा ड्राई बेस होता है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, तो पहला मैं अप्लाई करूंगी डे क्रीम, हल्का सा ले लूंगी। मैंने यहाँ पे क्रीम को डॉट डॉट लगाया है। कुछ भी क्रीम यूज करो, क्रीम को हमेशा फेस में डॉट डॉट लगाना है, क्योंकि हाथ में लगा के आप पूरा अप्लाई करने से हाथ में क्रीम रह जाता है। इसलिए फेस में हमेशा क्रीम अप्लाई किया तो पहला डॉट डॉट अप्लाई करना, उसके बाद फिंगर टिप से ब्लेंड करना है। और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्रीम ले लिया, और इसको मैंने अप्लाई किया है नेक पोर्शन में, क्योंकि फेस एंड नेक हमेशा सेम आउटलेट होता है। तो इसलिए आपको फेस में जब भी क्रीम लगाओ ना, कुछ भी क्रीम लगाइए, आप नेक में लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया, क्रीम उतना ड्राई भी नहीं है, इमिडिएटली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, बहुत अच्छा लगा। जो सेंट है ना, वो भी उतना खराब नहीं, ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। तो उसका ऊपर हम लगाएंगे मेकअप बेस। मैंने मेकअप बेस लगा लिया, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ला लिया प्रोडक्ट, थोड़ा कम लेना है। और मेकअप बेस है ना, तो आई एरिया में भी लगा सकता है, लेकिन बाकी जो भी प्रोडक्ट है ना, फेस प्रोडक्ट, वो सब आई में नहीं लगाना है, क्योंकि आई का नहीं होता है वो सब प्रोडक्ट ना। लेकिन मेकअप बेस जो भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, सब मेकअप का आइटम यू कैन अप्लाई ऑन आई एरिया ऑल्सो।
तो आप लोग देख सकता है जो मेकअप बेस है ना तो बहुत गोरा लुक दे देता है ऊपर का बेस, तो इसीलिए उसको हल्का सा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा लिया तो बाद में फिर ओवर व्हाइट हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये मेकअप बेस लगाने के बाद बहुत गोरा लग रहा है। लेकिन परमानेंटली ऐसा हुआ तो रिजल्ट मैं ये प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करूंगी, लेकिन नहीं हुआ तो मैं ये प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज नहीं करूंगी, मैं दूसरा ट्राई करूंगी। बट मुझे पसंद आया प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को कंप्लीट यूज करके इसका रिजल्ट मुझे कैसा हुआ वो भी मैं फिर आप लोगों को दूसरा वीडियो बना के दिखा दूंगी, अगर ये प्रोडक्ट खत्म होकर मुझे रिजल्ट क्या मिला, इवन रिजल्ट अच्छा है या बुरा हो वो दोनों का भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी। लेकिन आज पहला बार है इसलिए मैंने यूज किया, तो पहला बार में भी वीडियो बनाया मैंने, तो मैं रिजल्ट क्या है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये जो ये प्रोडक्ट है मेकअप बेस प्रोडक्ट है ये वाला, ये अप्लाई करके आपको फाउंडेशन यूज करने का जरूरी नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा मेकअप करना तो आप अपना हल्का सा आईशैडो या लिपस्टिक, आईब्रोज, काजल जो भी लगाना है लगा सकते हैं, ब्लशर सब लगा सकते हैं, आपको मेकअप का कुछ भी जरूरी नहीं है। बहुत बेस तो बहुत सुंदर है मेकअप इफेक्ट देने के लिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।